अल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। टुडे वी विल डिस्कस थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द थ्री फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर विद आर लोड एंड आर एल लोड। द ऑपरेशन इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज द कंट्रोल ऑफ द कंडक्शन ऑफ द डायोड्स। सो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या था कि इनिशियली जब आपके पास कोई भी डायोड जो है उसके क्रॉस जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज अपीयर होती थी जिनके, तो वो कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते थे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अब इसके क्रॉस जब VAB जो है वो अब आपको आउटपुट पे यहाँ पे जब मिल रही थी जब 6 और 1 कंडक्ट कर थी, जो 6 था डायोड नंबर 6 वो कंडक्ट कर रहा था इसी बी फेस की वजह से, और जो 1 कंडक्ट करना स्टार्ट किया है अभी उसने वो रेड फेस की वजह से। तो अब आपने देखा एक अपर लेग में से 1 और ये 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे लेट्स सपोज हम इस पॉइंट को ही ले लें, ये पॉइंट जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ले लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पे अब ऑलरेडी आपके पास क्या था कि 6 1 ने करना था और इससे पहले 5 और 6 जो है वो कंडक्ट कर रहे थे, 6 इन था और यहाँ पे 1 ने इन होना था इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब आपके पास जब आप डायोड अगरचे उनके क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आ गई, उनके क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज जहाँ पे आ गई है ये 1 ने ऑन होना है और उसके साथ जो है वो 6 ने ऑन रहना है। तो लेकिन क्या हुआ कि अब आपके पास जो है वो इस टाइम पर, इस टाइम के बाद, इसके बाद ये आपके पास स्टिल जो प्रीवियस पेयर है वो कंडक्टिंग है, स्टिल प्रीवियस पेयर कंडक्टिंग है। जब तक आप 6 और 1 को जैसे जो उसको फायर नहीं करेंगे, जो कंडक्शन एंगल है वो उसके बाद, तो उस वक्त तक ये ऑन नहीं होगा। जब फायर कर दिया आपने तो ये ऑन हो जाएगा। ये बेसिक पॉइंट, ये वही पॉइंट है जो यहाँ से रिपीट हो रहा है। और अब आपका जो कंडक्शन है वो डिपेंड करेगी कि आप फायर कब करेंगे। जब आप फायर करेंगे तो उस वक्त अगरचे वो डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, जैसे 1 है अभी फॉरवर्ड बायस है, इसने ऑन होना था लेकिन अभी तक उसको फायरिंग एंगल नहीं मिला तो उसने ऑन नहीं हुआ। ये इसका बेसिक जो है वो थीम है। बाकी एनालिसिस सेम है। जब आप पहले आप π/3, 0 to π/3 आप ले रहे थे मतलब उसका, तो अब अल्फ़ा भी उसमें जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, तो अब π/3 plus α to 2π/3 plus α ये आपका कंडक्शन पीरियड बन जाएगा। जैसे अगर ये पॉइंट जो है लेट्स सपोज ये π/3 था, तो अब सॉरी ये पॉइंट π/3 था, तो अब इसके बाद इसमें अल्फ़ा हेड होके ये अल्फा और ये π/3 plus α बन जाएगा ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब इसके बाद जो कंडक्शन कंटिन्यू कर रही है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका एंगल है और इसी तरह ये सिमिलर है। जस्ट आपको समझाने के लिए नेक्स्ट उसमें बताया, तो ये π/3 से α plus α to 2π/3 plus α 2π/3 प्लस अल्फा, तो जो फेज डिफरेंस था π/3 ही रह गया जो फेज था कंडक्शन का। तो इस तरह जो है वो आपके पास ये अभी कंडक्शन होगी। ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं। अब हम डायोड को सब्सिट्यूट कर रहे हैं SCRs के साथ, और जो जब SCR की कंडक्शन ऑन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो है वो गेट सिग्नल जो है वो अप्लाई नहीं होगा टिल के जो अभी SCR जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो अभी जो उसने ऑन होना था द आउटपुट वोल्टेज की ट्रांजिशन जो थी कि वो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपके क्रॉस अपीयर होती थी, ये मैक्सिमम अपीयर होना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो है पॉइंट ये अब डिले हो गया है और आपके पास जो है वो ये वोल्टेज आउटपुट पे अपीयर होगी जब आपने इसको फायर किया और उसके बाद वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, ठीक है जी।
ये मैक्सिमम। अगर आप इसको लेट सपोज इससे पहले यहाँ पे फायर कर देते हैं, अगर आपने इसको यहाँ पे फायर किया तो ये वोल्टेज की शेप फिर ऐसी होगी, ये आपके पास वोल्टेज अपीयर होगी जैसे। तो अगर आप इसको एट द इंस्टेंट व्हेन द वोल्टेज इज गेटिंग मोर पॉजिटिव इस इंस्टेंट पे कर दें तो देन यू विल हैव द सेम आउटपुट वोल्टेज जस्ट एज इन द केस ऑफ डायोड, ये सेम वोल्टेज अपीयर होगी। तो जितना आप डिले करते जा रहे हैं, जितना आप डिले करते जा रहे हैं, आपका जो है वो फायरिंग एंगल जो है वो उसको कंडक्शन को जो है वो ऑन नहीं करेगा। तो आपके पास जो अल्फा है वो बेसिकली ये यहाँ पे इसने ऑन होना था डायोड, अगर होता तो इसके बाद जितना एंगल है जब आप उसको ऑन कर रहे हैं वो अल्फा है आपके पास। यहाँ पे भी जैसे एग्जांपल ये इसने जो फिगर में खुद बताया ये यहाँ से स्टार्ट लिया इसने अल्फा, तो यहाँ पे डायोड होता तो ये ऑन हो जाना था 6-1 पेयर, जो भी नया पेयर बनना था उसने ऑन होना था, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास, और अल्फा जो है वो डिले एंगल, जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और आप उसको जो है वो गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं जिस टाइम पे, इन दोनों के दरमियान जो है वो इंटरवल है, डिफरेंस है। ये अब आपके पास सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है, आपके पास जो स्विचेज हैं आप सेमी कंट्रोल कह रहे हैं इनको, जिसका ऑन जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली एवरेज वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप पाई बाई थ्री प्लस अल्फा से स्टार्ट होगी कंडक्शन और 2π/3 प्लस अल्फा तक रहेगी आपके पास कंडक्शन। द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज रिड्यूस एज द डिले एंगल अल्फा हैज इंक्रीज, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपके पास एज इन द केस ऑफ द अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर अब आपके पास रिड्यूस हो गई है। तो दैट मीन्स कि आप आउटपुट वोल्टेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इसको बिल्कुल जीरो पे फायर कर दिया तो सिमिलर बिल्कुल सेम पैटर्न आपके पास जो है वो आउटपुट वोल्टेज पे अपीयर होगा। जैसे जैसे आप इसको फायरिंग डिले करते रहेंगे तब तक जो है वो ये ऑन नहीं होगा, अगर आप इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये वोल्टेजेस जो हैं ये फर्दर रिड्यूस होंगे। एवरेज वैल्यू जो है ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, जो आप 480 वोल्ट आरएमएस 60 हर्ट्ज है, एवरेज जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है, थ्री फेज सिस्टम है। तो इसका मतलब है आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल अंडरस्टूड होनी चाहिए जो हमने शुरू में कही थी। अब एक ही फेज़ की आपको एक आरएमएस वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, दैट मीन्स कि आपके पास ये बैलेंस सिस्टम है और आपके पास ये जो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, और आपके पास एक फेज़ जो है 480 एंगल 0, 480 माइनस 120, 480 120 ये आपके पास होंगे। आपके पास इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों लोड्स हैं आपके पास कनेक्टेड हैं। जस्ट इसका आपने लास्ट भी देखा था कि इसमें वोल्टेज की जो वेव शेप है वो सेम होती है दोनों केसेस में। अब इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो सिर्फ अनकंट्रोल और कंट्रोल का डिफरेंस है, सेम वही जो रूल्स अप्लाई होंगे, जस्ट आपने उसका जो टाइम पीरियड है वो आपने चेक करना है। डिटरमिन द डिले एंगल अल्फा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए 50 एवरेज करंट ऑफ 50 एम्पियर, ठीक है। तो एवरेज करंट ऑफ 50 एम्पियर का क्या मतलब है, तो आपने आप देखना है कि वोल्टेज कितनी एम्पियर हो रही है उसके द्वारा। तो वोल्टेज से आप अल्फा निकाल सकते हैं, जो एवरेज वैल्यू का ये आपने जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है लास्ट उसमें, तो वो उससे आप जो है अल्फा निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास 50 एम्पियर है, ठीक है। तो 50 एम्पियर और रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो एवरेज जो है चूंकि रेजिस्टेंस के साथ रिलेट करती है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है करंट की, तो इसलिए जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपको चाहिए वो 500 वोल्ट चाहिए ब्रिज का जो आउटपुट वोल्टेज। तो ये फार्मूला जो है वो आपने का जो वी नॉट के लिए लिखा था, वी नॉट के लिए, तो उसको उससे जो है वो आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिए, और ये आपको बताता है कि ये अल्फा की वैल्यू जो है वो 39.5 डिग्री होनी चाहिए। तो ये कंट्रोल का फीचर है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने फिर अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज के मुताबिक आपने अपने अल्फा को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। फिर हार्मोनिक वोल्टेजेस जो आपके पास हैं मौजूद हैं, V6 डिवाइड बाई ये आपके पास आ गया, V12 का कंपोनेंट आ गया, और इसी तरह आप V मैक्सिमम निकाल सकते हैं उसी, V6 का मैक्सिमम ये है और V12 का ये है। तो अब आप अगर गौर से देखें तो आपके पास जो है वो
हारमोनिक्स ये आ गए, तो हारमोनिक का एम्पलीट्यूड जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जितनी जिस तरह आपके पास नंबर ऑफ एन जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो उसका वोल्टेज लेवल जो है एम्पलीट्यूड जो है वो वी आर बाई वी एम ये कम होता जाता है। ठीक है, तो ये V6 बाई वी एम की रेशियो है, V12 बाई वी एम की रेशियो है, तो उससे आपने ये ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिए। तो आप इस उसी को वी एम जो है, वी एम आपके पास 480 वोल्ट वी आर एम एस है, तो अंडर रूट 2, तो वी एम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। V6 जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, ये हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में ये सारी इक्वेशन डेवलप की थी। तो I6 जो है वो आपके पास 1.26 एम्पेयर है, और I12 जो है आपके पास 0.3। तो जैसे जैसे आपका हार्मोनिक नंबर ऑर्डर बढ़ता जाता है, आपके पास वोल्टेज उसके मैग्नीट्यूड जो है वो कम होते हैं। अब इसी तरह इसको और स्मूथ करने के लिए, अगर आप इसको 12 पल्स प्लस पल्स एम्पलीफायर भी जो है वो बना सकते हैं, रेक्टिफायर जो है वो बना सकते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था 3 6 12 डायोड यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास थ्री फेज रेक्टिफायर जो हैं, उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट शो की है नॉर्मल सिंपल जो है सिंगल फेज रेक्टिफायर से, तो हार्मोनिक आउटपुट कंटेंट आपका देखें कि फिल्टर आउट हो गया, और आपके पास 6 ऑर्डर के अब जो है वो रह गए, तो ये एक अचीवमेंट थी। अब आपका फिल्टर डिज़ाइन बहुत ईजी हो गया। इसी तरह जो आपका हार्मोनिक आउटपुट वोल्टेज है, इसमें वो कम था, और उसकी जो रिपल फ्रिक्वेंसी है वो 6 टाइम्स होगी ऑफ द सोर्स फ्रिक्वेंसी, तो जो फिल्टर डिज़ाइन है वो इजी हो गया। और रिडक्शन इन द हार्मोनिक्स कैन बी अकम्प्लीट, हम इसको दो जो 6 प्लस पल्स ब्रिजेज हैं इनको यूज़ करके हम जो है वो एक आपके पास बना सकते हैं रेक्टिफायर, जो फर्दर जो है वो इसको इम्प्रूव करेगा। इस कन्फिग्रेशन को कहते हैं 12 प्लस कन्वर्टर या 12 प्लस एम्पलीफायर। तो अगर आप जब कन्वर्टर्स आप स्टडी कर लेंगे, इन्वर्टर्स स्पेशली, तो आप देखेंगे इसी को रेक्टिफायर को हम इन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं विद सेम कन्फिग्रेशन, जस्ट हमने बजाय एसी सोर्स के हमने डीसी साइड पे जो है वो वोल्टेज अप्लाई कर देनी है। इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें आपके पास ट्रांसफार्मर की कन्फिग्रेशन होती है। एक ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो वाई वाई ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड होता है, तो वाई वाई कन्फिग्रेशन में आपको पता है कि जो फेज वोल्टेज का इनपुट पे होता है कारस्पॉन्डिंग वही फेज जो है वो आपके पास आउटपुट पे होता है, जबकि एक दूसरा जो है आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं वाई डेल्टा, तो डेल्टा वाई या वाई डेल्टा कन्फिग्रेशन में आपके पास 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। ठीक है जी, तो इसीलिए जो है वो ये हमने ये ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो अभी 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा बिटवीन द सोर्स यहाँ पर और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी इसकी। तो रिजल्ट इन द इनपुट ऑफ टू ब्रिजेज विच आर 30 डिग्री अपार्ट। अब आपके पास 30 डिग्री अपार्ट है, तो आउटपुट अगर आप और से देखें, जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज द सम ऑफ द वी ओ वाई प्लस वी ओ डेल्टा। ठीक है, तो ये इसने नाम दे दिए हैं जस्ट उनको डिफ्रेंशिएट करने, इन दोनों का सम है। तो आपके पास ये देखें कि वी ओ वाई और वी ओ डेल्टा जो है वो ये वी ओ डेल्टा है, और आपके पास जो दूसरा है वो वी ओ वाई है। दोनों सिमिलर फैशन में वो कर रहे हैं, जैसे हमने अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर या कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़े थे विदाउट एनी फेज शिफ्ट एट इनपुट। तो अब जिसको फेज शिफ्ट मिल गया वो 30 डिग्री जो है वो फेज शिफ्ट कर गया आगे, और उसका जो आप दोनों का आउटपुट जो है वो आप सम करके जो आप इनपुट वोल्टेज जो है ये देखें, ये सॉरी आउटपुट वोल्टेज जो है वो आप दोनों का समेशन है ये दोनों का। ये आप इसको सम करके यहाँ पे ये आपके इंस्टेंटेनियस सम करें इसको, और आपके पास ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और अभी हमने इसमें यूज़ तो किए हैं हमने ये कंट्रोल स्विचेस, लेकिन अभी हमने इसको अल्फा जो है वो 0 रखा है, तो दे आर बिहेविंग जस्ट लाइक एन अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो अब आपके पास डीसी सम जो है आउटपुट वोल्टेज का, तो आपके पास इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो है वो आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, जस्ट सिंपल सम है, पैटर्न सेम है, जस्ट उनके साथ जो एवरेज वैल्यू है ऑब्वियसली क्योंकि एवरेज वैल्यू दोनों की सेम होगी, तो दोनों को हमने सेम यूज़ किया। ठीक है,
अगर आप इनको फेजर इंस्टेंटेनियसली ऐड करेंगे तो एक को जो है वो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट देंगे, आपके पास इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी जो आपको यहाँ पे शो की गई। द पीक ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अकर्स मिड वे बिटवीन द अल्टरनेट पीक्स, अल्टरनेट पीक्स पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अकर करती है मिड वे में। इसमें ये अल्टरनेट पीक्स हैं, हर एक कन्वर्टर की, ये एक वीओ सिक्स पल्स वीओ वाई की है और ये दूसरी जो है सिक्स पल्स वीओ डेल्टा की है। तो अब मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आपके पास जो है वो ये यहाँ पे अकर करता है। तो ये पीक जो है आपने ऐसे दोनों को इंस्टेंटेनियसली ऐड करें तो ये आपके पास पीक आ जाएगी। तो ये चूंकि 30 डिग्री है तो मिड जो है वो 15 डिग्री का होगा अगर आप जीरो से लें। अब हर 30 डिग्री के बाद जो है वो ट्रांजिशन हो रही है, इंडिविजुअल में 60 डिग्री है तो आप यहाँ पे 30 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। ये अगर आप इनिशियल देखें जो हमने किया था तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कंडक्शन था, अब यहाँ पे इसकी कंडक्शन स्टार्ट हुई है तो इसके 30 डिग्री के बाद दूसरे की कंडक्शन जो है वो आउटपुट वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये ट्रांजिशन जो है, अब हर एक जो ट्रांजिशन है सम करेंगे तो ये आपको 30 डिग्री जो है वो देगा। दी आउटपुट हैज हारमोनिक्स, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 पल्स होगी है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 12 के उसके हारमोनिक्स होंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के 12 टाइम्स होंगे। तो अब आपके पास जो है वो जो डीसी आउटपुट है वो उसके पास मोर स्मूथ है एज कंपेयर टू द 6 पल्स रेक्टिफायर। और दूसरा जो अनदर एडवांटेज जो है इसका 12 प्लस कन्वर्टर का ओवर द 6 प्लस कन्वर्टर, तो ये हार्मोनिक्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए ऐसी सिस्टम में जो आपने इंटर होने थे, इन्होंने करंट में जो हार्मोनिक्स थे। तो अगर आप करंट को देखें तो आपके पास y का करंट ये है जो इनिशियली बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है जो हमने डिवेलप की थी 6 प्लस के लिए, ठीक है, तो ये 6 प्लस माइनस 1 के साथ आएगा तो ये 5 फंडामेंटल 5 7 और ये कंपोनेंट्स आएंगे। इसी तरह जो दूसरा है उसके साथ भी यही होगा, सेम वही उसके साथ जो है वो इक्वेशन होगी डेल्टा की, दोनों का सेम है शेप लेकिन फेज शिफ्ट है। तो जो अब आप दोनों को जो है वो फोरियर सीरीज को देखें तो दोनों फोरियर सीरीज जो है करंट्स की वो सिमिलर हैं और लेकिन कुछ साइन जो है वो अपोजिट हैं, दैट इज ड्यू टू द फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री। तो अब आपके पास जो टोटल करंट होगा वो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों को जो है वो आप सम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सम में देखें कि आपके पास रिडक्शन आपको क्लियर नज़र आ रही है कि अब आपके पास यहाँ पे रिडक्शन ये हार्मोनिक्स में ये रिडक्शन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे एक साइन मिसिंग है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो आपके पास 11 और 13 ये आपके पास अब हार्मोनिक्स आ गए 12 के प्लस माइनस 1 जबकि प्रीवियस थे 6 के प्लस माइनस 1, तो फर्दर हार्मोनिक्स खुद बहुत सिस्टम ने जो है वो रिमूव कर दी, ठीक है जी। तो ये अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो हमने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसी हार्मोनिक्स ऑफ पी पल्स कन्वर्टर, ये जनरलाइज्ड लिखती है कि आप इसको 6, 12, 24 जैसा भी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से हार्मोनिक्स भी जो है और रिड्यूस होंगे, ऑब्वियसली जो है आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। अब चूंकि यही जो कास्ट का फैक्टर है एक्सपेंसिव प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स विद अप्रोप्रिएट फेज शिफ्ट जो है, ऑब्वियसली आप इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी तो उसमें ऑब्वियसली 15 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ ट्रांसफार्मर्स आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे जो एक डिफिकल्ट प्रोसेस और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो नॉर्मली जो है वो हम 12 पल्स पे ही जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसको उसमें ये इम्प्लीमेंट करते हैं 12 प्लस रेक्टिफायर्स 48 पल्स तक आप जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ये इसकी बेसिक समरी है रेक्टिफायर्स की, टुडे वाज द लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग द रेक्टिफायर्स। तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर्स कैन बी द ब्रिज और सेंटर टैप, ये हमने दोनों देखा। सेंटर टैप की ख़ास बात क्या थी कि इसमें आप एक स्पेशलाइज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जबकि ब्रिज में आपको पास कोई भी स्पेशलाइज ट्रांसफार्मर रिक्वायरमेंट नहीं होती,
तो ये इस हिसाब से आपके पास ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 डायोड यूज़ होते हैं और यहाँ पे आपके पास 2 डायोड यूज़ होते हैं। इसमें आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो Vm थी और यहाँ पे आपके पास 2 Vm थी, ठीक है। तो ये इनके मेन डिफरेंस थे। आपके पास जो एवरेज करंट है सिंगल फेज रेक्टिफायर में, ऑब्वियसली वो एवरेज करंट जो वो क्योंकि दोनों साइकिल्स कंडक्ट कर रहे थे तो सोर्स की साइड से जो एवरेज करंट था वो ज़ीरो है। अब लोड करंट और सोर्स की साइड पे जो हार्मोनिक्स हैं उनको हम एनालाइज करने के लिए फोरियर सीरीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बता देता है कि आपके पास कौन कौन से हार्मोनिक्स मौजूद हैं, तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब भी इंडक्टर इंट्रोड्यूस होता है इन द पाथ ऑफ द करंट, तो आपका जो लोड करंट है वो एसेंशियली है डीसी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, और जो फिल्टर कैपेसिटर हमने पढ़े ऑन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज को वो जो है वो स्मूथ रख करता है। और इसी तरह जो एलसी फिल्टर जो हमने यूज़ किया था वो फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डीसी आउटपुट, और आपके वोल्टेज और करंट दोनों जो हैं वो आपके पास जो हैं वो रिड्यूस वो स्मूथ हो जाते हैं। ये जो स्पेशली जो इंडक्टेंस है ये आपके जो है वो पीक करंट में जो है वो रिडक्शंस करता है। अब यहाँ तक बात जो ये थी इनिशियली, इनिशियली हमने अनकंट्रोल पढ़े, देन हमने कंट्रोल रेक्टिफायर्स पढ़े। तो कंट्रोल अभी फ़िलहाल अगर जस्ट कहें तो ये सेमी कंट्रोल्ड हैं जिसमें ऑफ की कैपेबिलिटी नहीं है SCR में, तो लेकिन फिर भी हम इसको किसी ख़ास लेवल तक जो है आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ SCR। तो ये आप बाद में जब कन्वर्टर स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सेम जो वो आप डिज़ाइन करते हैं कन्वर्टर्स, वो SCR जो है वो एज ए इन्वर्टर जो है रेक्टिफायर के बजाय एज ए इन्वर्टर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिक्स पेल्स जो आपने रेक्टिफायर्स पढ़े उसमें 6 डायोड्स होते हैं और SCRs कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल के हिसाब से, और जो 12 प्लस है उसमें कॉरस्पॉन्डिंगली 12 जो है वो स्विचेस होती हैं। और जो 3 फेज रेक्टिफायर्स हैं वो आपके पास आउटपुट वोल्टेज जस्ट स्मूथ आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें आपके पास फिल्टर की जो डिज़ाइनिंग है वो आपके पास मोर इजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द सिंगल फेज रेक्टिफायर। थैंक यू वेरी मच।